बीजेपी संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर बैठकों का दौर जारी। थोड़ी देर में एक बार फिर बीजेपी की बैठक होगी और बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। चुनावी राज्यों में फेरबदल पर फोकस रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। बैठकों का दौर जारी है, चुनावी राज्यों को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है और इस बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद। थोड़ी देर में एक बार फिर से बीजेपी की बैठक होगी, बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। चुनावी राज्यों में फेरबदल पर फोकस रहेगा। और दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? आज ही का दिन ले लें तो बैठकों का दौर एक के बाद एक चल रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बीजेपी मुख्यालय का जो विस्तारक भवन है उसमें यह बैठक चल रही है। बहुत ही गोपनीय तरीके से बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद है। एक बात तय है कि बीजेपी जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार करने वाली है और इसको लेकर के मंथन चल रहा है कि किसे मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए, किसका प्रमोशन किसका कार्य के आधार पर प्रमोशन किया जाए, किसकी छुट्टी की जाए, किसे संगठन में भेजा जाए। इन तमाम नामों को लगभग तय कर लिया गया है और अंतिम रूप जो है दिया जा रहा है। और यह जो बैठक चल रही है बहुत ही फाइनल बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं जिनको संगठन में भेजने की तैयारी है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो यह जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के भी दो बड़े नेता हैं जो केंद्र में मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं और उनको जो है संगठन में भेजा जा सकता है, क्योंकि उनके पास चुनाव जिताने का बड़ा अनुभव है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इस समय राज्यों में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।